वेलकम बैक टू माय चैनल गिटार लेजेंड। गाइस फिर से आप सभी के पास पहुंच चुका हूं एक अरिजीत सिंह जी का बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग लेके। सॉन्ग है मुस्कुराने की वजह तुम हो, जो काफी हिट रहा था गाइस ये सॉन्ग। तो आज हम लोग इस सॉन्ग का कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग का लेसन करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं इस सॉन्ग के साथ। सो गाइस अभी इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए हमें जो सबसे पहला कॉर्ड चाहिए वो है ए माइनर कॉर्ड, देन सेकेंड कॉर्ड इज जी मेजर कॉर्ड, थर्ड कॉर्ड इज एफ मेजर कॉर्ड, fourth chord is E major chord, then fifth chord C major chord, sixth chord E minor chord, okay guys E minor, then last seventh number chord is D major chord, okay guys। so इन सात chords की जरूरत होगी हमें इस गाने को play करने के लिए। चलिए अभी देखते हैं हम लोग इस गाने के लिए हम लोग क्या strumming pattern play कर सकते हैं। तो guys जो मैंने strumming pattern इस गाने का रखा है वो है down down up up down 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 up down down up up down 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 up down down up up down 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 up 1 2 3 4 1 2 3 4 down down up up down 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 up। okay काफी इजी स्ट्रमिंग पैटर्न है गाइस 4/4 का बीट का। सो इस स्ट्रमिंग पैटर्न को गाने के साथ कैसे प्ले होगा गाइस मैं आपको एक लाइन प्ले करके दिखा रहा हूं। काफी इजी स्टैम्प पैटर्न है। आप 4/4 बीट का कोई दूसरा स्टैम्प पैटर्न भी प्ले कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके सो बिगिनर लोग के लिए मैं अभी ये स्टैम्प पैटर्न को ब्रेक करके अच्छा से समझा रहा हूं। सो सबसे पहले स्टैम्प पैटर्न में हमें दो डाउन स्ट्रोक करना है गाइस, टू डाउन स्ट्रोक डाउन डाउन। ओके देन उसके बाद दो अप स्ट्रोक अप अप, देन कंटिन्यू दो डाउन स्ट्रोक और डाउन डाउन। ओके सो सबसे पहले दो डाउन स्ट्रोक डाउन डाउन, दो अप स्ट्रोक अप अप, देन दो डाउन स्ट्रोक डाउन डाउन। सो ये कैसा प्ले होगा गाइस, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन। ओके फिर इसके बाद हमें दो डाउन स्ट्रोक और करना है गाइस, डाउन अप। ओके डाउन अप, दो अल्टरनेट स्ट्रोक डाउन एंड अप, स्ट्रमिंग पैटर्न के एकदम आखिरी में प्ले होगा। ओके गाइस सो ये दो डाउन स्ट्रोक गाइस किलर का काम करता है, ताकि इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पैटर्न प्ले करेंगे तो बीच में एक गैप रह जाता है गाइस, वो गैप इस डाउन अप स्ट्रोक से फिल हो जाता है। सो ये कैसे प्ले होगा गाइस, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप। अगर आप बिगिनर हो तो आप स्ट्रिंग्स को म्यूट करके ऐसे प्रैक्टिस करो, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप, या फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन डाउन। ओके इस तरीके से प्रैक्टिस करो गाइस, काफी इजीली और काफी जल्दी आप इस स्ट्रमिंग पैटर्न को अचीव कर लोगे, मैं गारंटी देके कह सकता हूँ। सो गाइस अभी इस गाने का कॉर्ड्स प्रोग्रेशन और टाइमिंग की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस गाने का कवर प्ले करने जा रहा हूँ। मैं कॉर्ड्स को स्क्रीन में डिस्प्ले कर दूंगा गाइस, ताकि आप लोग देख देख के मेरे साथ प्रैक्टिस कर सको। ओके तो चलिए एक साथ प्ले करते हैं। जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, जिया जाए
गाइस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा गाइस तो आप लाइक बटन में हिट कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे आप नए हो गाइस तो फिर आप चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके, और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए गाइस ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, सो मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।